नमस्कार, समाचारों साथ हूं शुभिदी। नजर करिए सांजली सुपर फास्ट न्यूज पर। राज्य में छेल्ला 24 कलाक में सरेराश पौणो इंच वरसाद वरस्यो। 32 जिला 176 तालुका में वरसाद पड़ो। राज्य में ऑगस्ट मास में सरेराश 18 इंच वरसाद वरस्यो छे। तो राज्य में सीजन अत्यार सुधी कुल 98.10% वरसाद थयो छे। राज्य में वधु एक साइक्लोनिक सर्क्युलेशन सिस्टम सारा वरसाद की आगाही कर रही है। कच्छ और तेनी आसपास विस्तारों में सर्जाये सर्क्युलेशन सिस्टम की सौराष्ट्र कच्छ तेमज उत्तर और मध्य गुजरात में सारा वरसाद थवानी आगाही है। हवामान विभागे आगाही व्यक्त करी छे। खेड़ा जिला में माथर तालुका में भारे पवन साथ वरसाद वरस्यो। माथरना सींचवाड़ा परिएज बामण गाम सहित अनेक विस्तारों त्यां वरसाद पड़ो। वरसाद ने पगले डांगर नो पाक लेता खेडूतों में खुशी जोवा मळी। कच्छना रापर और आसपास गामों में वरसाद पड़ो। 1.5 इंच वरसाद खाबकता जामवाड़ा विस्तारों में पानी भराई गया है। तो भारे वरसाद ने कारण वाहन व्यवहार ने असर पड़ी। राजकोट ग्राम्य विस्तारों में 3 इंच वरसाद पड़ो। जसदण त्रंबा सरदार सहित आसपास गामों में धोधमार वरसाद थयो। नीचाणवाड़ा विस्तारों में पानी भराई गया। साथ ही आजी नदी बांडियो नदी कलालियो नदी खारी नदी बे कांठे वहती थी। राजकोट जिला में रात्रे धोधमार वरसाद वरस्यो। 7 कलाक में 7 इंच वरसाद पड़ो। मोटाभागना विस्तारों जलबंबाकार थी गया। आ साथ ज लक्ष्मीनगर नाड़ू पोपटपरा ब्रिज अवर जवर माटे बंद कराओ। जेतपुर और जसदण में वरसाद। राजकोट सूरजियावाड़ी लीलूड़ी होकड़ी विस्तार पानी में गरकाव थयो छे। फाब्रिकेट की टीमें केटलाक लोगों स्थलांतर करायु। महत्वनुं छे कि राजकोट में 7 इंच वरसाद थता नीचाणवाड़ा विस्तारों में भराई गया छे पानी। राजकोट कोटड़ा संघाणी वाछपरी डेम ओवरफ्लो थयो छे। उपरवास में रात्रि थी पड़ी रहे वरसाद ने कारण डब्बा पानी की आवक थता डेम ओवरफ्लो थयो। नीचाणवाड़ा विस्तार गामों ने एलर्ट कराया है जेमा कोटड़ा संघाणी खरेड़ा प्रांची यायावदर आ तमाम गामों ने एलर्ट कराया है। राजकोट में मेघराजाए मेहर करता राजकोट ने पीवा पानी पूरु पाड़ता जलाशयों में नवानी रव्या। भादर एक आज एक न्यारी एक न्यारी बे में पानी की आवक वधी। डेम में मोटी मात्रा में पानी की आवक थता महानगरपालिका ने एलर्ट आप्यो छे। सौराष्ट्रना मोटाभागना विस्तारों में वरसादी वातावरण जाम्यु छे। मोरबी पंथक में वहेली सवारथी धीमी धारे वरसाद वरस्यो छे। लांबा विराम बाद मेघराजानी सवारी मोरबी पहुंची। सूरतना केटलाक विस्तारों में वरसाद पड़ो। शहरना अठवा अडाजण रिंग रोड मजूरा गेट विस्तार में वरसाद पड़ो। वरसाद थता ज वातावरण में प्रसरी ठंडक। जूनागढ़ में गिर पर्वत सहित शहर अनेक विस्तारों में वरसाद वरस्यो। साथ जूनागढ़ भवनाथ में पसार थती नदियों में पूर जेवी स्थिति सर्जाई। सोनरख और करवा नदी में पानी की आवक वधी पूर की स्थिति सर्जाई। जूनागढ़ जिला में शहरी विस्तार में वरसाद पड़ो। भवनाथ और किन्ना डूंगर पर वरसाद पड़ो। वरसाद पानी डूंगर में वही दामोदर कुंड में आया। जामनगर में सवेरे 6 वाग्या सुधी वरसाद पड़ो जेमां जामनगर शहर और कालावड़ में 1.5 इंच वरसाद नोंधायो। लालपुर में 1 इंच जामजोधपुर में 2.5 इंच वरसाद पड़ो। ध्रोल में 2.5 इंच और जोड़िया में 1 इंच वरसाद थयो। जामनगर में जोड़िया तालुका में वरसाद वरस्यो। हडियाणा गाम में 1 दिवस में 3 इंच जेटलो वरसाद पड़ो। जेना कारण नीचाणवाड़ा विस्तारों में पानी भराई गया है। गामना मुख्य मार्ग पर 2 थी 3 फूट जेटला पानी भराता लोगों ने भारे हालाकी पड़ी रही है। द्वारका तालुका मीठापुरा पंथक में वरसाद वरस्यो। भारे वरसाद कारण पंथक नीचाणवाड़ा विस्तारों में पानी भराई गया जेना कारण लोगों ने हालाकी पड़ी रही है। साबरकांठा जिला में 24 कलाक में सर्वत्रिक वरसाद पड़ो जेमां पोशीना में 5 इंच तो खेड़ब्रह्मा में 4.5 इंच वरसाद पड़ो। विजयनगर में 1 इंच प्रांतिज में 2 इंच ईटर और वड़ाली में 2.5 इंच वरसाद पड़ो।
બોટાદના નાગનેશ્વરમાં ભાદર નદી બે કાંઠે વહેરાઈ છે, જેથી નદી પર આવેલો કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થયો છે. લોકો ધસમસતા પ્રવાહ વચ્ચે નદીમાંથી પસાર થવા મજબૂર છે. નદીની પેલે પાર જવા માટે બીજો કોઈ રસ્તો ન હોવાથી લોકો જીવના જોખમે નદી પાર કરી રહ્યા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદ થતા નદીમાં નવા નીર આવ્યા. ઉપરવાસમાં થયેલા ભારે વરસાદને કારણે ધાનેરાની સુખીભટ રેલ નદીમાં પણ પાણી આવ્યું છે. રેલ નદીમાં પાણી આવતા સ્થાનિકોમાં ખુશીનો માહોલ. બનાસકાંઠાના વિરગઢ પાસેની બનાસ નદીમાં નવા નીર આવતા નદી બે કાંઠે વેરાઈ છે. રાજસ્થાનમાં થયેલા વરસાદને કારણે બનાસ નદીમાં પાણીની આવક વધી. મહત્વનું છે કે એક ભાઈ નવા બીજી વખત નદીમાં નવા નીર આવ્યા. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોડા તાલુકા સહિત ઉપરવાસમાં થયેલા ભારે વરસાદને કારણે છતરિયાળા તરફ જતા કોઝવે પર પાણી ભરાયા, જેથી સ્થાનિકો, વાહન ચાલકો અને વિદ્યાર્થીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. મહત્વનું છે કે સરપંચે કોઝવે પર પુલ બનાવવાની રજૂઆત કરી હતી, જે બાદ પણ પગલાં ન ભરાતા લોકોને ભારે મુશ્કેલી વેઠવી પડી. રાજ્યના 205 ડેમમાં 80.91% પાણીનો સંગ્રહ થયો છે. 43 ડેમ ઓવરફ્લો થયા છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં 15 પૈકી 2 અને મધ્ય ગુજરાતમાં 17 પૈકી 9 ડેમ 100% ભરાઈ ગયા. દક્ષિણ ગુજરાતના 13 પૈકી 9 ડેમ અને કચ્છના 20 પૈકી 7 ડેમ તો સૌરાષ્ટ્રના 139 પૈકી 16 ડેમ 100% ભરાયા. નર્મદા ડેમમાં સતત પાણીની આવક થઈ છે. ઉપરવાસમાંથી નર્મદા ડેમમાં 2,18,431 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ, જેમાંથી નર્મદા નદીમાં 1,88,833 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું. આ સાથે રિવરબેડ પાવર હાઉસના 6 ટર્બાઇન ચાલુ કરાતા 28,764 મેગાવોટ વીજ ઉત્પાદન થયું છે. મોરબીમાં મચ્છુ 3 ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે. ડેમમાં નવા નીરની આવક થતા 2 દરવાજા 1.5 ફૂટ સુધી ખોલાયા છે, જેમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું છે, જેને લઈને મોરબીના 20 ગામોને એલર્ટ કરી દેવાયા છે.